yesterday we discussed about फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस डिस्कस कर लिए थे हमने, एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी इसकी, ठीक है। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आप ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आते हो। अगेन इसका भी डायग्राम है, यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और द केमिकल्स दैट वी आर यूजिंग, ठीक है, और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ के आए हो क्लास सेवेंथ में, ठीक है। सो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप पढ़ के आए हो, उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या करते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन इससे पहले आप सैंड एंड ग्रिट मेथड पढ़ते हो, ठीक है। सैंड एंड ग्रिट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, जो लाइक मतलब बहुत ज्यादा बिगर पार्टिकल्स हैं, उनको आप पहले ही रिमूव कर देते हो, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, अब जो पार्टिकल्स, जो चीजें आपके सैंड एंड ग्रिट मेथड में से पास कर जाते हैं, दे आर आल्सो हैवियर वन। तो उन हैवियर पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, हम सेटल डाउन करवाते हैं, ओके। जैसे ये वाटर है और यहाँ पर आपने जो हैवियर पार्टिकल्स हैं इस टैंक में, जो भी इम्प्योरिटीज है उनको थोड़े टाइम के लिए रख देना है, दैट विल सेटल डाउन ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो अपने आप बीइंग हैवियर होने के कारण ये क्या कर जाएंगी, सेटल डाउन कर जाएंगी। एंड ये जो सेटल डाउन हो जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है। बट स्टिल देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंट नहीं हुए होंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपका वाटर है दैट इज नॉट क्लियर स्टिल नाउ, ठीक है, हमारे पास क्लियर वाटर नहीं आया होगा अभी तक, ओके। सो दैट मीन्स देयर आर सम लाइटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑल्सो, लाइटर इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, जो बैठी नहीं होंगी नीचे सेडिमेंट्स की फॉर्म में। तो उन लाइटर इम्प्योरिटीज को हम कैसे रिमूव करेंगे, वी विल बी एम्प्लॉइंग द नेक्स्ट टैंक दैट इज लोडिंग टैंक एंड द मेथड इज लोडिंग, ठीक है। लोडिंग में क्या होगा, ये जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं इनको हमने सेटल डाउन करवाना है, द लाइटर इम्प्योरिटीज दे विल बी मेक द सेटल डाउन बाय द एडिशन ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे दैट वी विल बी यूजिंग एलम, ओके, वी विल बी यूजिंग द एलम। उसको हमने क्या करना है, एलम को हमने यहाँ पर डिप करवाना सेडिमेंटेशन टैंक में। उससे क्या होगा, ये जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं, ये जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं ये क्या कर जाएंगी, ये इस एलम के साथ मिल जाएंगी, ओके। सो एलम के साथ मिलने से क्या होगा, नाउ दे विल बिकम हैवियर, हैवियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कर जाएंगी, दे विल सेटल डाउन, ओके। तो यहाँ तक हमारा हो गया है लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक के बाद हमने नेक्स्ट कौन से टैंक में जाना है, फिल्ट्रेशन टैंक। द थर्ड टैंक वी विल बी एम्प्लॉइंग इज फिल्ट्रेशन टैंक, जहां पर वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड क्ले ग्रेवल पार्टिकल्स, ओके। तो हमारे पास ये सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा इस वाले टैंक, वेयर वी आर हैविंग द सैंड ग्रेवल एंड द क्ले पार्टिकल्स,
ठीक है, तो एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन हो जाती है इन मेथड से। ओके, अभी भी जो आपका वाटर है डेट इज नॉट प्योर, डेट इज फर्दर पास्ड इनटू क्लोरिनेशन टैंक। ओके, द फोर्थ टैंक इज क्लोरिनेशन टैंक। तो क्लोरिनेशन टैंक में हम क्या ऐड करते हैं बेटा? क्लोरीन टैबलेट्स ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू किल द जर्म्स। ओके, सो हियर वी ऐड द क्लोरीन टैबलेट्स इन ऑर्डर टू किल द जर्म्स। ओके, फिर उसके बाद जो आपका प्यूरिफाइड वाटर है दैट इज सेंट टू द हाउस होल्ड्स, टू द हाउसेस थ्रू द पाइप्स। ठीक है, तो ऐसे फिर जो आपका पानी है प्यूरिफाइड वाटर जो है वो किस में भेजा जाता है? घरों में सेंड किया जाता है थ्रू द पाइप्स। ओके, राइट, सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। एनीथिंग यू वांट टू रिवाइज? तो टॉपिक रिवाइज करना है? हाँ जी, कट गया। चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स करें फिर। चलिए, राइट डाउन सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। यू नो योर टर्म वन इज प्योरली एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे या केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एमसीक्यूज हमने सारे तरह के हम इसमें इंक्लूड करते हैं, राइट। जैसे आपको ए बी सी करके चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वाले में से ए बी या सी बन सकता है ऑप्शन, सेकेंड वाले में बी ओनली। ठीक है, तो ऐसे करके भी आ सकते हैं, और यू कैन से मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में ही आपको ए एंड बी दिया होगा, और यहाँ पर ऑप्शंस में आपको बताया होगा कि फर्स्ट वाला का जो आंसर है इट कैन बी द थर्ड वन। ठीक है, सेकंड वाले का इट कैन बी फोर्थ वन। तो इन दिस वे ऑल्सो द एमसीक्यू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो हर टाइप हमने कवर करनी है। चलिए, राइट डाउन क्या, हाँ उससे पहले एक टेबल था आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस वाला, वो बना लो। ठीक है जी, वो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। द टेबल बनाया हुआ है आपने पहले? हाँ, एरोसोल्स वाला। हाँ, वही टेबल दोबारा। चलो रिवाइज कर लेते हैं उसको, टेबल को। वी विल बी फर्स्ट एम्प्लॉइंग हियर दैट इज फर्स्ट फेस। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी डिस्पर्शन मीडियम। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप, कौन से कोलाइड की टाइप है, एंड देयर एग्जाम्पल्स। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉग। आप सबने फॉग देखी हुई है? कैसी होती है? धुआं धुआं सा होता है। ठीक है, यानी कि धुआं और पानी होता है, उसमें ज्यादा क्या होता है? गैस ज्यादा होती है। तो डिस्पर्शन मीडियम क्या बन जाएगा? डिस्पर्शन मीडियम, कौन सी चीज ज्यादा है? मीडियम इज द गैस, जो आपको ज्यादा नजर आती है वो गैस नजर आती है। डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड, पानी की बनी होती है ना। ठीक है, थोड़ा सा पानी ज्यादा गैस में डिप होता है। डिस्पर्स्ड फेस मतलब सॉल्यूट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करते हैं। ठीक है, जो चीजें सॉल्यूट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेस। इसको हम क्या देते हैं? एरोसोल। एरोसोल, एरो का मतलब एयर। ठीक है, तो ये एयर मतलब हम गैस की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ देयर इज सेकंड कैटेगरी फॉर द एरोसोल्स। अब इसकी और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? एयर स्प्रे, स्मोक, क्लाउड,
फॉग मिस्ट एंड क्लाउड इसकी एग्जांपल्स है, जिसमें लिक्विड है डिस्पर्स्ड पे, सुन लो बेटा, वाटर वेपर्स होते हैं मॉइस्चर, किसमें डाले हैं, लिक्विड को किसमें डाला हुआ है, नहीं ना डाला किसी में, तो कोलाइड नहीं बना अभी तक वो। एरोसोल अगेन, दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ एरोसोल्स। एरो का मतलब अगेन गैस है, तो यानी कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड स्पेस है गैस मीडियम, सॉरी आप सबने स्मोक देखी हुई है, धुआं होता है, धुएं में क्या चीजें होती हैं, डस्ट हो सकती है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेस होती हैं ज्यादा, तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस क्या हो जाएगा, सॉलिड, ओके, स्मोक डस्ट हो गया, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट जो निकलता है, द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द गैस सॉलिड कोलाइड, ठीक है, स्ट्रॉम, बहुत ज्यादा तेज जब स्ट्रॉम आते हैं तो उसमें सॉलिड ही होती है ना चीजें, ठीक है, सॉलिड किसमें होती है, एयर में होती है, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप, अब ये दोनों एरोसोल समझ आ गए, दोनों है तो गैस, बट एक में लिक्विड है और एक में सॉलिड है। नाउ कमिंग टू द सेकंड इज अब हम दो तरह की फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, पहले एक फॉर्म है जिसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ सोडा वाटर की, आप सबने सोडा वाटर देखा होगा, पीते भी हो, एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हो आप, क्या क्या होता है उसमें, लिक्विड एंड गैस, क्या चीज कम होती है, क्या चीज ज्यादा होती है, ठीक है, और इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम भी फॉर्म की तरह होती है ना, थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर होता है उसका, ठीक है, और दूसरी कौन सी फॉर्म होती है, स्पॉन्ज, देखी हुई आप सबने स्पॉन्ज देखी है ना, स्पॉन्ज में क्या होती है, एयर स्पेसेस होती हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस क्या है, स्पॉन्ज, रबर, फ्यूमाइल्स, ठीक है जी, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्म। अब हमने फॉर्म की दो डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, एक लिक्विड की और एक सॉलिड। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप नाउ वी विल बी डिस्कसिंग बेटा, लाइट्स ऑन कर लो, हाँ जी, तो ऑन नहीं हो रही है लाइट, नेक्स्ट टाइप इज एमल्शन। एमल्शन में हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क, मेडिसिन, फेस क्रीम, ठीक है जी, बटर एमल्शन थोड़ी ना बेटा, सो हियर द डिस्पर्शन मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस बोथ विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट इज जेल ले लेते हैं, जेल में एग्जांपल जेली की, जेली सबने देखी हुई है, ज्यादा मेन कंपोनेंट कौन सा नजर आता है, सॉलिड, तो डिस्पर्शन मीडियम कौन सा हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेसेस, कर लिया हो एवरीवन, और लिखो बटर, चीज, कर्ड,
हेयर जेल्स भी आ सकती है, वो भी जेल ही होती है ना। ठीक है जी, सो कमिंग टू द नेक्स्ट इज सोल। जैसे हमने दो एरोसोल्स पढ़ी हैं, वैसे ही दो सोल्स हैं। बेटा लिख लो कुछ, ये बंद कर दो, फिर उससे देख देख के बोल रहे हो। हाँ जी बंद करो उसको। अब हमने दो तरह की सोल्स पढ़नी है, ओके। द वन इज सोल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड सोल। अब नॉर्मल सोल में हम एग्जांपल लेते हैं मड की। आप सबने मड देखा हुआ है, मड में क्या क्या होता है? पानी और कौन सी चीज ज्यादा होती है? लिक्विड ज्यादा होती है, और थोड़ी सी उसमें क्या होती है? सॉइल, ओके। अदर एग्जांपल्स यू कैन राइट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड गोल्ड। अदर एग्जांपल्स यू कैन राइट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड गोल्ड मड ही है वो बेटा। सॉलिड सोल, हमने दोनों चीजें सॉलिड लेनी है। द बेस्ट एग्जांपल इज अलॉयज, अलॉयज डायमंड जेमस्टोन्स, ओके। ग्लास इज ऑल्सो द एग्जांपल। सो दिस इज द टेबल। अब इस टेबल में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू के। आपको डिस्पर्स्ड फेस पूछ सकते हैं, मड का क्या है टाइप ऑफ क्लाइड। हाँ जी सॉलिड फॉर्म बेटा, गोल्ड की भी हम सोल प्रिपेयर करते हैं, उसका एक क्लाइड प्रिपेयर करते हैं गोल्ड के सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। Yes, ma'am. So this table is very very important. Now write down. हाँ element है तो solid में लिया ना, solid soul में लिया हुआ। चलिए टेल मी द मेथड्स दैट यू विल यूज इन ऑर्डर टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। जस्ट रेज योर हैंड। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? हाँ जी फर्स्ट सब्लिमेशन टेक्निक, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड इट विल सब्लाइम ऑन हीटिंग। एल्कोहल एंड वाटर, जस्ट रेज योर हैंड। Alcohol and water, alcohol and water, तुम fractional distillation use करेंगे बेटा? अभी मुझे ये बताओ alcohol और water को separate किससे करोगे, distillation और fractional distillation? Distillation or fractional distillation? मैंने कल ही आपको कराया है एल्कोहल और वाटर में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना है बेटा, तो ज्यादा है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? फिर वाई आर यू स्पीकिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? क्लासीफाई द केमिकल चेंजेस एंड द फिजिकल चेंजेस। अलमीरा गेट्स रस्टेड, मेल्टिंग ऑफ वाटर इन अ पैन। बेटा मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग इज अ फिजिकल चेंज। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, केमिकल चेंज।
डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. ओके, विच टेक्निक यू विल यूज इन ऑर्डर टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड? सेंट्रीफ्यूगेशन. डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम अ फ्लावर. Different pigments from a flower. Technique कौन सी use करोगे in order to separate the pigments of the flower? मैम क्यों कर रहे हो, उसकी turn है. बस बैठ के बेटा सिट डाउन. क्रोटोमोग्राफी नहीं है, क्रोमैटोग्राफी. सिट डाउन बेटा. To separate wheat grains from husk, winnowing method. ठीक है. Small pieces of metal in the engine oil of a car. Metal के pieces oil में से. Yes. Oil में magnetic separation नहीं चलेगी. तो ये कौन सा मेथड है? सेपरेटिंग फनल में तो वो फर्स्ट जाएगा. फिल्ट्रेशन. चलिए टेल मी विच ऑफ द ई सॉल्यूशंस दे विल शो टिंडल इफेक्ट. सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क. मिल्क मिल्क नहीं करेगा. मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. सस्पेंशन और कोलाइड. तो कोलाइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. तुम क्यों कह रही हो नो? स्टार्च सॉल्यूशन. स्टार्च. स्टार्च सॉल्यूशन भी जो होता है वो शो करेगा. ठीक है जी, क्योंकि ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं. हाँ जी जी, कोलाइडल सॉल्यूशन करते हैं. ओके, स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल्स. कहते हैं स्मोक और फॉग दोनों एरोसोल्स हैं. अभी हम पढ़ के आए हैं. दोनों में क्या सेम है? डिस्पर्शन मीडियम सेम है दोनों में. ठीक है, क्या डिफरेंट है? स्मोक में डिस्पर्स स्पेस कौन सा है और फॉग में? ओके, यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स फॉर द मिक्सचर्स हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू हैव टू गिव अ सूटेबल मेथड फॉर देयर सेपरेशन. अ वॉलेटाइल एंड अ नॉन वॉलेटाइल कॉम्पाउंड एग्जाम्पल के साथ और कैसे उसको सेपरेट करोगे. एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है. इन ऑर्डर टू सेपरेट द डाई एंड वॉटर यूजिंग द इवेपोरेशन मेथड. जस्ट रेज योर हैंड्स बेटा. टू वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स विद एप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. टू वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स विद एप्रिशिएबल मतलब थोड़ा उनका डिफरेंस है. एप्रिशिएबल मीन सफिशियंट डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट. लास्ट वेरी गुड. टू इमिसिबल लिक्विड्स. टू इमिसिबल लिक्विड्स. एग्जाम्पल बैठिए. टू आर मोर कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट. टू आर मोर कलर्ड कॉम्पोनेंट्स दैट आर सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट. एंड लास्ट कलर्ड कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना है.
सारे लास्ट में बैठे हैं। चलो एक न्यूमेरिकल लिखो। राइट डाउन वन न्यूमेरिकल। कंसेंट्रेशन वाला किया था हमने टॉपिक, उसका एक न्यूमेरिकल है। What volume of ethyl alcohol? What volume of ethyl alcohol and water? लिख ले बेटा। What volume of ethyl alcohol and water should be mixed together to prepare to prepare 250 ml of 60% by volume 60% by volume of alcohol in water. I am repeating the question. What volume of ethyl alcohol and water should be mixed to prepare 250 ml of 60% by volume of alcohol in water? Solve it and give me the answer. सिक्सटी परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इन वॉटर। तूने पहले बोला था कुछ, पहले कैसे निकाला? सो किसी को फॉर्मूला याद है? ठीक है जी, सो द फॉर्मूला इज राइट। अब उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दो फिर। क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स के साथ डील करना है, सो विल बी राइटिंग वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कहा हुआ है उन्होंने। दे आर आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो क्या है? ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल डिवाइडेड बाय इनटू, तो इसमें वैल्यूज पुट करो। उन्होंने क्या पूछा? व्हाट वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, तो आपको पहले पता चल जाना चाहिए दैट दे आर आस्किंग अबाउट दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो आपको 60% गिवन है। एक्स निकाल लो। दैट इज 150 ml। 150 ml, दैट इज 150 ml। उन्होंने अल्कोहल का ही पूछा हमसे। ठीक है, नाउ टेल मी दिस,